हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे का एक अपडेट कि आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेसवे पे किस लेवल तक की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, काम हो चुका है। और अभी हम खड़े हैं एग्जैक्टली सेक्टर 88A के अंदर और जाएंगे हम 113 सेक्टर तक, 111 सेक्टर तक, बिल्कुल जहाँ पे दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है वहाँ तक जाएंगे। और लगभग ये 9-10 किलोमीटर का पैच है, तो पीछे की तरफ मेरा लगभग 7-8 किलोमीटर का पैच ऑलरेडी है जहाँ पे भी बहुत एडवांस लेवल पे काम हो चुका है। उसके लिए मैंने अनदर वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो। बट अभी हम जहाँ पे खड़े हैं पीछे की तरफ हमारा एक पटौदी रोड जा रहा है, ऑल राइट, और लेफ्ट साइड में हमारा सेक्टर 88A है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है आपका रहेजा राष्ट्रा, जहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट है और शॉप कम ऑफिसेज हैं, SCOs हैं। राइट साइड में अगर आप मेरे देखोगे तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे की तरफ, तो वहाँ पे आपको दिखेगा सेक्टर 37D वगैरह। फिर आगे आ जाता है सेक्टर 99, और अगर आप ये देखेंगे जो ग्रीन कलर का बोर्ड दिख रहा है आपको सामने, ठीक, तो लेफ्ट साइड में ना यहाँ से एक रोड जाएगा जो सीधा रिवाड़ी की तरफ जाएगा। तो आगे जाके ये रोड आपका मेन पटौदी रोड के अंदर ही मिल जाएगा और ये सीधा जा रहा है द्वारका एक्सप्रेस सेक्टर 99 to 114, 99 से लेके 114 सेक्टर तक। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बीच में बताता रहूँगा। मीनवाइल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में गुड़गांव में या द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप ऊपर या नीचे दिए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या फिर DEX #DEX मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 8858484084 पे। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। अभी हमने स्टार्ट कर लिया द्वारका एक्सप्रेसवे पे, लेफ्ट साइड में जैसे मैंने आपको बताया अभी 88A सेक्टर है, इसके बाद सेक्टर 99 आएगा और 99A, तो वहाँ पे 99 के अंदर भी कुछ रेडी टू मूव इन ऑप्शंस भी हैं, फिर कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट भी हैं। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर 37D है, फिर उसके पीछे 37C सेक्टर है, तो यहाँ पे भी आपको रेडी टू मूव इन ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और अंडर कंस्ट्रक्शन भी कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे जो राइट साइड में सेक्टर 37D है, तो यहाँ पे BPTP के प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, इसके अलावा रामप्रस्था सिटी हो गया, सिग्नेचर ग्लोबल, उस टाइप के जो बिल्डर्स हैं वो सेक्टर 37CD के अंदर है, जहाँ पे आपको लगभग 1.5 करोड़ से लेके और 3-3.5 करोड़ तक की भी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे एक SCOs का भी प्रोजेक्ट आ रहा है अभी बिल्कुल मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो वाटिका की सिटी है, वाटिका एक्सप्रेशन सिटी जिसको हम बोलते हैं, यू कैन सी हियर वाटिका इंडिया नेक्स्ट करके बोर्ड आएगा यहाँ पे, वाटिका इंडिया नेक्स्ट 2, यू कैन सी हियर सेक्टर 88A 88B, ऑलराइट 89A 89B, तो काफ़ी बड़ा लैंड पैच है वाटिका। बट हालांकि अभी एट प्रेजेंट वाटिका थोड़ा रिकमेंडेड कम है बिकॉज इन्होंने ADC भी जमा नहीं करवाया, तो इनके रेयर आने के चांसेस अभी कम है। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका EMB का प्रोजेक्ट है, स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट है, इसमें अभी आप इन्वेस्ट ना करें तो बेटर है, ऑल राइट, फंसा हुआ बिल्डर है EMB। उसके ठीक पीछे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे आपका नवराज भी अभी फ्लोर्स लेके आया था यहाँ पे, वो भी आपकी इसी लोकेशन पे है सेक्टर 37D के अंदर, ऑल राइट। BPTP के प्रोजेक्ट है लाइक स्पेशियो पार्क स्क्रीन, और आपका रामप्रस्था के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जो इसके अलावा इम्पीरिया एस्फेरा हो गया, वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाता है 37C और D के अंदर, वो भी स्वामी फंड जो होता है, जो स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट को रिवाइव करते हैं उसके एंगल से उसको फंड दिया हुआ है अभी। तो यू कैन सी हियर रामप्रस्था सिटी, तो यहाँ से एंट्री है इसकी रामप्रस्था सिटी की, तो ये भी अभी NCLT में ही है अभी। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो कुछ रेडी टू मूव इन ऑप्शन में ही लेना अंडर कंस्ट्रक्शन अभी प्रॉपर्टी, यहाँ पे लेना रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। अब देख सकते हैं यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे पे काफ़ी काम हो चुका है, लगभग 85-90% काम हो चुका है, यू कैन सी, और आई एम श्योर जल्दी यहाँ पे इसको फाइनल इनॉग्रेशन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर
गडकरी साहब द्वारा। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो प्रोजेक्ट है एसोटेक का ब्रिज, तो ये अभी भी थोड़ा सा स्टंट प्रोजेक्ट है अभी। और अभी इस आगे ना एक प्रोजेक्ट आएगा वाटिका का, तो अभी वाटिका का जो लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हो सोवरेन पार्क करके है, तो वैसे वाटिका का ये प्रोजेक्ट स्टक है। आप देख सकते हो ऊपर क्रेन लगी हुई है और नीचे उन्होंने ऐसा दिखाया हुआ है कि फिनिशिंग हो रही है, बट ये एक्चुअल में स्टक प्रोजेक्ट है। बट इसको अभी फंडिंग दे रहा है एक्सपीरियन, तो एक्सपीरियन इसमें कुछ फंडिंग दे रहा है 300-400 करोड़ रुपये की, और ये प्रोजेक्ट जल्दी रिवाइव हो जाएगा। तो अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है तो थोड़ा सा होल्ड करिए, एक्सपीरियन यहाँ पे अभी फंडिंग दे रहा है, तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट रिवाइव हो जाएगा। और एक सामने आप देख सकते हो सेक्टर 110-114 IJ एयरपोर्ट द्वारका स्ट्रेट है। तो अभी सीधे वाला जो रोड है वो तो अभी ब्लॉक करा हुआ है, तो हम थोड़ा लेफ्ट से जाएंगे। और जो लेफ्ट साइड में अगर आप जो देख रहे हो वो रोड आ जाता है आपका बसई वाला रोड आ जाता है, राइट साइड में बसई फ्लाईओवर और आपका हीरो होंडा चौक वगैरह है। और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्लोबल सिटी प्लान्ड है इस तरफ 37A B सेक्टर है, तो इसके थोड़ी सी बैक साइड के अंदर। और ये लेफ्ट में धनकोट की तरफ चला जाता है सामने रोड, राइट में बसई। और एक प्रोजेक्ट है इसके पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो G99 के प्लॉटी डेवलपमेंट्स है यहाँ पे। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये ओकस मेडली का एक प्रोजेक्ट है कमर्शियल, इसकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेस वे पे है। लीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, यू कैन सी हियर ओकस मेडली। तो यहाँ पे ऑलरेडी बीकानेर वाला वगैरह ऑपरेशनल है। तो लेफ्ट साइड में हमारे सेक्टर मैं आपको दिखाऊंगा 102 आ जाएगा, और राइट साइड में सेक्टर 105 है। तो लेफ्ट साइड में अगर देखोगे तो आपके प्रोजेक्ट्स मिलेंगे लाइक BPTPM स्टोरिया, जॉय विले बाय शाहपुरजी पालनजी, अदानी वेस्टर ग्रैंड, तो वो आप देख सकते हो सामने की तरफ रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर जो खड़ा है वो आपका अदानी वेस्टर ग्रैंड है, जो पिंक दिख रहा है आपको प्रोजेक्ट। और लेफ्ट में आपके ये एमस्टोरिया के लो राइज फ्लोर्स हैं और विलाज हैं, फिर यहाँ पे प्लॉट्स भी हैं कुछ पीछे की तरफ। और राइट साइड में ये वेटलैंड है 105 सेक्टर वाला जो वेटलैंड है, ये भी जो लैंड जिस पे अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे पहले पानी हुआ करता था, पानी को सुखा के और फिर यहाँ पे यू नो ये रोड द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया हुआ है। तो अगर आप जाओगे बसई फ्लाईओवर पे तो वहाँ पे भी आपको अभी पानी दिखाई देगा राइट साइड में। तो 102 सेक्टर का भी थोड़ा सा वो हाल था, तो इसलिए अगर एक नेगेटिव पॉइंट में आपको बताऊं 102 सेक्टर का तो वही है, यू कैन सी हियर द एम स्टोरिया प्रोजेक्ट। तो ये भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है और पीछे की तरफ उसमें जॉय विले है। अभी राइट साइड में हमारा प्रोजेक्ट अभी जो लोकेशन थी वो 105 चल रही थी, उसके बाद अभी सेक्टर 104 आएगा। तो 104 के अंदर आपको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे लाइक ATS ट्रायम्प एक प्रोजेक्ट है ATS का हालांकि इश्यूज रहते हैं मेंटेनेंस के, तो 109 सेक्टर में भी ATS के इश्यूज चल रहे हैं अभी मेंटेनेंस वगैरह के, यहाँ पे भी थोड़ा सा इशू है मेंटेनेंस का। अगर आप तो कुछ टाइम तक वेट कर सकते हो 2.5 साल जब तक RWA फॉर्म नहीं हो जाती प्रॉपरली, तो आप इस प्रोजेक्ट में एंटर कर सकते हो, अदरवाइज रिकमेंडेड नहीं है ATS के अंदर एंटर करना अभी एट प्रेजेंट। ऑलराइट, और ये वाला जो फ्लाईओवर है ये भी ओपन कर दिया है अभी, तो ये राइट साइड में जो है आपको लोकेशन दिख रही है ये आपका सीधा जा रहा है हीरो होंडा चौक की तरफ, यू कैन सी राइट साइड में। और अभी कुछ टाइम में अंडरपास भी ओपन कर दिया जाएगा, तो ये आपका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को भी डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। तो राइट साइड में आप देख रहे हो ये जो भी लोकेशन अभी आएगी, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट है आपका ATS ट्राइम, और उसके बाद प्रोजेक्ट आ जाएगा आपका पूरी एमरल्ड वे। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट आप राइट साइड से देख रहे हैं ये है आपका ATS ट्राइम, वैसे रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी है, बट मेंटेनेंस का एक छोटा सा इशू है यहाँ पे। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो प्रोजेक्ट है एमरल्ड वे पूरी कंस्ट्रक्शन का,
तो पूरी कंस्ट्रक्शन वैसे अच्छा है और यहाँ पे प्रोजेक्ट रिकमेंडेड है, यू कैन गो फॉर दैट पूरी एमरल्ड बे। यहाँ पे 2 बेडरूम और 3 बेडरूम की कन्फिग्रेशन अवेलेबल है, तो 2 बेडरूम ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, तो 3 बेडरूम की कुछ यूनिट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपने देखा हो प्रोजेक्ट जैसे कि एलान का था, प्रेजिडेंशियल था, जहाँ पे 3 साइड ओपन यूनिट थी, डेक एक यूनिट आगे और 2 पीछे, ऑल राइट हेड यूनिट एंड टेल यूनिट, तो सेम कॉन्सेप्ट आपको इस पूरी एमरल्ड बे में मिल जाएगा। और इसके बिल्कुल ठीक सामने लेफ्ट में आप देख सकते हो DPS स्कूल भी है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर 102 के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे सेक्टर 104 में ही आप देखेंगे तो आगे की तरफ 2-3 प्रोजेक्ट्स और भी हैं, लाइक यहाँ पे एक हीरो होम्स का प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाएगा, जिसका अगले 1 साल के अंदर पोजेशन एक्सपेक्टेड है। और इस रोड पे भी अगर आप देखोगे ना, तो पीछे 103 सेक्टर जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको शायद किसी और वीडियो में बताए हुए हैं, जो रुके हुए प्रोजेक्ट है 103 सेक्टर के अंदर, तो वो हैं यहाँ पे लाइक एंसल एस्टेला और सिद्धार्थ एस्टेला इरा, वो 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं स्ट्रक्ट। और लेफ्ट साइड में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सत्या का प्रोजेक्ट है रेडी टू मूव इन कंडीशन में, वो ठीक है, अच्छा है। इसके अलावा इंडिया बुल सेंट्रम पार्क है 103 सेक्टर के अंदर, ऑल राइट। इसके अलावा 103 सेक्टर के अंदर यही जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं, सत्या हो गया, इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट हो गया, फिर नया प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे एक और लॉन्च हो रहा है, अगर आप नए लॉन्च के अंदर जाना चाहते हो सेक्टर 103 के अंदर, ऑल राइट, तो वो है आपका चिंतामणि का प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट साइड में यू कैन सी हियर, ये आपका हीरो होम्स के कुछ टावर्स है भी जो जिसका पोजीशन जल्दी है। और यहाँ पे आप पीछे की तरफ देखेंगे 104 सेक्टर में तो गोदरेज का भी एक प्रोजेक्ट है, यू कैन सी समिट, जहाँ वो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, तो हालांकि उसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी नहीं थी, बट अगर अफोर्डेबल में अगर आप देखते हो तो वो एक ठीक ठाक ऑप्शन हो सकता है। तो वहाँ पे अफोर्डेबल के अंदर 1-2 प्रोजेक्ट्स और भी हैं इस तरह सेक्टर 104 के अंदर। तो अभी हम चलते हैं, अभी हमारे पास लेफ्ट साइड में आ जाएगा 104 के बाद 103, 104, फिर आ जाएगा हमारा 112 सेक्टर और लेफ्ट में आ जाएगा हमारे सेक्टर 106। और यू कैन सी द्वारका एक्सप्रेस के भी एट प्रेजेंट क्या कंडीशंस हैं, ऑलराइट। तो जल्दी उम्मीद है कि यहाँ पे अगले 2-3 महीने 6 महीने के अंदर एज क्विकली एज पॉसिबल यू नो इसका पूरा फुल फ्लैज्ड जो भी पैचेज अभी बचे हुए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और दिल्ली गुड़गांव की कनेक्टिविटी और स्मूथ हो जाएगी वेस्ट दिल्ली से और शिवमूर्ति से। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे जैसे मैंने आपको बताया अभी सेक्टर 106 चल रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोजेक्ट है आपका पारस का ड्यू, जो कि रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर है। यहाँ पे आपको 3 बेडरूम 4 बेडरूम की कन्फिग्रेशन मिल सकती हैं, तो 4 बेडरूम आपको यहाँ पे 160-170 के आसपास मिल जाता है। और यहीं पे 106 सेक्टर के अंदर ही अगर आप देखोगे तो अभी एलान ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, एलान द मार्क कमर्शियल प्रोजेक्ट, जो कि 3 साइड ओपन प्लॉट के ऊपर एक हाई स्ट्रीट मॉल है, तो एलान कमर्शियल के लिए जाना जाता है। और पीछे की तरफ उन्होंने एलान रेजिडेंशियल भी लॉन्च किया था, द प्रेजिडेंशियल, जिसका काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा आया था मार्केट के अंदर, 4.5 करोड़ से 2450 स्क्वायर फीट की यूनिट बिकती थी वहाँ पे, जो आपका 3 बेडरूम है, फिर 4 बेडरूम भी आपका 5.5 करोड़ के आसपास से जाती है, ठीक है, फिर 5 बेडरूम की भी इन्वेंट्री, और तो काफ़ी इन्वेंट्री सोल्ड आउट है, बट फिर कुछ भी इन्वेंट्रीज अगर आप चाहिए तो वो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन गिवन दिस नंबर, ऑल राइट, और व्हाट्सएप, यू कैन व्हाट्सएप अस अगर आप एलान द प्रेजिडेंशियल या एलान द मार्क के अंदर भी यू नो इंटरेस्टेड हैं। तो यू कैन सी द लोकेशन के भी काफ़ी काम हो चुका है, बट ऊपर वाला पैच अभी यहाँ पे बचा हुआ है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो ये हमारी आपको एलान द मार्क का बोर्ड भी दिख जाएगा सेक्टर 106 के अंदर, और उसके ठीक पीछे की तरफ आपको कॉन्शियंट 1 का मॉल दिखेगा, जो रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर है आज की डेट में, वन ऑफ द मतलब जो एक हॉटस्पॉट बना हुआ है आज की डेट में कॉन्शियंट 1 मॉल है। यहाँ पे आपका बीकानेर वाला ऑपरेशनल है, डोमिनोज, KFCs, वो सारी चीज़ें ऑपरेशनल हैं आज की डेट में। ओके, राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये प्रोजेक्ट है आपका इंडिया बुल्स का ही है इनिग्मा, तो यहाँ पे 4 बेडरूम और 5 बेडरूम की ही कन्फिग्रेशन अवेलेबल थी, ऑल राइट। तो ये एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है इस साइड का, हालांकि मेंटेनेंस का भी थोड़ा बहुत इशू चल रहा है, बट यहाँ पे ओवरऑल दिस प्रोजेक्ट इज़ गुड,
राइट साइड में अगर आप देखेंगे इंडिया बुल्स एनिग्मा, तो यहाँ पे किराया भी अच्छा है अगर रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे देखेंगे तो 50-60 हज़ार रुपये का किराया भी आ जाता है। और ये वाला जो रोड है ये आपका सीधा चला जाता है शोभा की तरफ, 108 सेक्टर की तरफ चला जाता है ये रोड। और राइट साइड में आप तो देख रहे हैं इंडिया बुल्स एनिग्मा है। ये लेफ्ट साइड में जो अगर आप देखेंगे तो न्यू स्क्वेयर का एक प्रोजेक्ट है कमर्शियल, ये कमर्शियल बेल्ट है बेसिकली सेक्टर 106 की। तो यहाँ पे 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे एक जशिका का भी बिल्डर का भी प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है। फिर आपका न्यू स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे अभी एक इंडिया बुल्स का भी प्रोजेक्ट है 101, जिसको हालांकि ओवरटेक करा हुआ है एम्बेसी ग्रुप ने जो बेंगलोर का ग्रुप है। तो मे बी ये फ्यूचर में जल्दी यहाँ पे भी कुछ काम स्टार्ट हो, डिलीवरीज की स्टार्ट हो इस प्रोजेक्ट की। ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड। तो लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट सामने आप दिख रहा है आपको, ये है आपका एक्सपीरियन का विंड चैंट करके प्रोजेक्ट है। एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे 2 बेडरूम की जो यूनिट है वो 2450 स्क्वायर फीट है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितने स्पेशियस रूम होंगे, स्टडी रूम है प्लस सर्वेंट रूम है, 2450 स्क्वायर फीट ह्यूज। तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं, 2 बेडरूम के भी, 3 बेडरूम के भी, 4 बेडरूम के भी, प्लस आपका विलामेंट्स हैं जहाँ पे आपको एक फीलिंग आएगी विलाज की, प्लस अपार्टमेंट्स हैं। प्लस इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे तो यहाँ पे आपको विलास भी मिल जाएंगे, ऑप्शंस मिल जाएंगे। और राइट बट एक इसका हल्का सा एक छोटा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इसका जो एक्सेस रोड है वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए था। अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, सप्तऋषि कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिज़ाइन करा हुआ है। 7 टावर है यहाँ पे, पूरा वास्तु कंप्लायंट यहाँ पे यूनिट्स है। हर एक टावर्स में एम्पल सनलाइट आपको मिलेंगी, वास्तु कंप्लायंट चीज़ें मिलेंगी आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर। ऑलराइट, तो ये यहाँ से इन्होंने अंडरपास भी खोल दिया है, बट आई वांट टू शो यू दैट टावर क्लोजली, सो दैट इज द रीजन वी हैव नॉट टेकन अंडरपास रूट। तो वहाँ से एंटर करके यहाँ से आगे से एग्जिट भी कर सकते थे, बट दैट्स इज द टावर दैट आई वांट टू शो यू। तो यहाँ पे L&T ने इसकी कंस्ट्रक्शन करी हुई है और वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे का एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप रेडी टू मूव इन कंडीशन में प्रोजेक्ट्स में जाना चाहते हो जहाँ पे आपके पास कोई रिस्क ना हो अंडर कंस्ट्रक्शन में जाने का, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर विद दैट बिल्डर। तो यहाँ पे आपको एक फीलिंग भी आएगी अच्छी। और अगर आप फ्री साइड विजिट ब्लॉक करना चाहते हो तो इन दिए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो टू ब्लॉक योर फ्री साइड विजिट्स। सो लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पे सेक्टर 112 था, तो अभी हमारे लेफ्ट साइड में आएगा सेक्टर 113 और राइट साइड में आएगा सेक्टर 111। तो राइट साइड में जो आप देख रहे हो प्रोजेक्ट वो है सेक्टर 111 सेक्टर 111, और ये प्रोजेक्ट है डिप्लोमेटिक ग्रीन्स बाय पुरी कंस्ट्रक्शन अगेन। तो हमने एक पहले प्रोजेक्ट देखा था पुरी कंस्ट्रक्शन का एमरल्ड बे, ये अनदर प्रोजेक्ट है पुरी कंस्ट्रक्शन का डिप्लोमेटिक ग्रीन्स। तो ये जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे मैंने इसको सोल्ड आउट सेल किया था। तो ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट था, वन ऑफ द फेवरेट प्रोजेक्ट यू कैन से। ऑलराइट, जैसी काफ़ी डिमांड थी मार्केट में इनिशियल लेवल से ही, और आज की डेट में भी काफ़ी डिमांड है एंड यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे भी आपका 3 बेडरूम 1705 स्क्वायर फीट से लेके और 4 बेडरूम 4500 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस आपको मिलते हैं डिप्लोमेटिक ग्रीन्स के अंदर। ऑलराइट, लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे सेक्टर 113 आ जाता है, तो यहाँ पे आपको देखोगे 113 मार्केट है। तो ये शॉप कम ऑफिस SCOs की मार्केट है, यहाँ पे लगभग 2.5 लाख रुपए गज के आसपास, 2.5-3 लाख रुपए गज के आसपास रेट लॉन्च हुआ था, और आज की डेट में लगभग 5.5-6 लाख रुपए गज का रेट है। इसके ठीक आगे देखोगे राइट साइड में 113 सेक्टर के अंदर अगेन M3M का कैपिटल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था लगभग जनवरी 2022 के अंदर, और आज के डेट में काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन यहाँ पे आ चुका है। पिछले 1.25 साल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ऊपर जा चुकी है, आप देख सकते हो कुछ टावर्स हैं 17वें, 20वें, 22वें फ्लोर तक जा चुके हैं, और आगे की तरफ कमर्शियल है और पीछे की तरफ रेजिडेंशियल है। ऑलराइट, तो ये आप एंड यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके भी कंसीडर कर सकते हो। इसका भी फेज़ वन है जो कम्प्लीटली सोल्ड आउट है, 90% कुछ यूनिट्स मिल जाएंगी इसमें बड़े साइज़ की, और अदरवाइज फेज़ टू का आप लॉन्च का वेट कर सकते हो, कुछ टाइम में वो लॉन्च होने वाला है। ऑलराइट, इसके ठीक आगे की अगर आप तरफ आप देखोगे तो स्मार्ट वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट और है सेक्टर 113 के अंदर ही अगेन, 1DXP जिसकी साइट अभी आने वाली है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट है 111 सेक्टर के अंदर M3M क्राउन। तो पीछे मैंने आपको 111 में दिखाया था डिप्लोमेटिक ग्रीन्स,
ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, एक्सकेवेशन स्टेज पे। अगर आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से देख रहे हो तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जा सकते हो, सो दैट अगले 3-4 साल के अंदर जब ये चीज रेडी टू मूव इन होगी तो उस टाइम पे आपको अच्छा खासा एक एप्रिसिएशन मिल सके। तो लेफ्ट साइड में जो मैं आपको दिखा रहा था अभी 1DXP की जो साइट है, यू कैन सी हियर, तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेजेस के लिए मैंने और वीडियोस बनाए हुए हैं अपने चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हो किस लेवल का काम चला हुआ है। एक्सकेवेशन स्टेजेस पे ही है, और राइट साइड में भी अगेन एक्सकेवेशन स्टेज पे ही है क्राउन। 111-113 की खूबसूरत बात ये है कि ये दिल्ली से सबसे नियरेस्ट है, और दिल्ली से कितना नियरेस्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट की साइट है, और बिल्कुल ठीक सामने अगर आप देखोगे तो ग्रीन जो आपको दिख रहा है वहां से बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट। ऑलराइट, और आप देख सकते हो ऊपर आपका एयरपोर्ट पास में है, तो यू कैन सी प्लेन इज गोइंग फ्रॉम देयर, तो इंडिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपका बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। और राइट साइड में अगर आप देखोगे तो वो जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है अभी वो स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट है, ये है कशिश एक बिल्डर था बिहार का, प्रोजेक्ट का नाम है मैनर वन। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि स्ट्रक्ट है, तो इसको भी शायद अभी कोई ओवरटेक कर रहा है, तो मे बी ये स्टार्ट हो जाए। ऑलराइट, तो अभी आप देख सकते हो अभी जहाँ पे हम आ चुके हैं, वेलकम टू NCT दिल्ली और द्वारका धोलाकुआ IJ एयरपोर्ट, तो ऑलमोस्ट बॉर्डर यहाँ इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे मैंने काफ़ी क्लैरिटी दे दी है, यू नो पूरे कहाँ से हम सेक्टर 88A से स्टार्ट हुए थे और बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेस वे पे दिल्ली के बॉर्डर में आ चुके हैं। सो आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट दिस यू नो वीडियो कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेस वे का एग्जैक्टली क्या स्टेटस है और फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हो द्वारका एक्सप्रेस वे, तो आप ऊपर या नीचे दिए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो #DEX on 885-8484-084। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो या इन दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, सो दैट जो लोग भी यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे पे रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको एक हेल्प मिल सके और मुझको एक मोटिवेशन मिल सके इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। सो दिस विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।